हेलो गाइस, मेरी फुल वीडियो में आप लोग का स्वागत है। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए आज कढ़ी चावल बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल और बिना लहसुन प्याज के, जो बहुत जल्दी बन जाएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने बेसन ले लिया है, देखिए 1 कप मैंने बेसन ले लिया है। ये पकौड़ी की तैयारी करते हैं। बेसन के अंदर डालेंगे मंगरेल यानी काला जीरा, कितने लोग काला जीरा भी बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हल्का सा हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है और धनिया पत्ता लिया है, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना ये सिर्फ इतनी चीज़ों से ही हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कड़ी पत्ता ली है, इसको भी हम लोग छोटा छोटा ऐसे करके तोड़कर इसमें डाल देंगे। आपको पसंद है तो डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसलिए इसमें भी डाल सकते हैं। बेसन के हिसाब से हम लोग इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा बेसन कम है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें हम लोग पानी डाल के इसका घोल अच्छी तरह से बना लेंगे। आप यदि व्रत लहसुन प्याज का नहीं बनता तो इसमें बस प्याज ऐड कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं। तो ये प्याज वाली पकौड़ी बन जाएगी। तो मैं सिंपल बना रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक चुटकी हम लोग इसमें सोडा डालेंगे खाने वाला, यदि आपको जल्दी है तो सोडा डाल दीजिए, वरना इसको आराम से इसको फेंटते रहिए। तो ये मैंने ऐड कर दिया है इसमें। यहाँ पे हमने घोल रेडी कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसको ऐसे ही चाहिए, तो अब इसको हम लोग साइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग 1.5 कप जितना आपके पास दही है, इसमें दही डाल दिया है मैंने, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भर के हम लोग बेसन ले लेंगे, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। अब इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। घर की दही रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। देखिए इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने घोल देखिए रेडी कर लिया है बेसन का और दही का। आपके पास दही नहीं है तो आप सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं। बेसन को फेंट लीजिए पानी डालकर और सेम वैसे ही बन जाएगा। उसके अंदर सिर्फ आपको खटाई डालनी पड़ेगी, आम की या आमचूर हो या नींबू हो। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा डालेंगे हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है, अब ये पैन गर्म हो रहा है। इसके अंदर इसके हम लोग डालेंगे 1 चम्मच तेल। यहाँ पे मैंने लिया है 5 फ़ोरन के लिए मेथी, काला जीरा और जीरा, सूखी मिर्च, तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ी सी राई यानी मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 फ़ोरन चटक चुका है, तो हम यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल देंगे। यहीं पर हींग डाल देंगे और लाल मिर्च थोड़ी सी डालनी है। इन सबको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहीं पर जो हमने दही और बेसन का घोल बनाया है उसको भी ऐड कर देंगे। घोल डालने के बाद हम लोग इसको मिक्स करेंगे आराम आराम से। देखिए रुक रुक के इसको हम लोग चलाते रहेंगे, बहुत जन की कड़ी फट जाती है। तो यहाँ पे मैं एक टिप दे दूंगी आपको कि जब भी आप इसको 5 मिनट चला लीजिए, तो उसके बाद आप नॉर्मल ठंडा पानी जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जो आप इसमें यूज़ करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालते रहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी कढ़ी फटेगी नहीं। और ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, 10 मिनट लगता है इसको कढ़ी बनाने में, बहुत जल्दी बन जाता है ये। तो ये आप देख सकते हैं। आपको यदि डर लग रहा हो कि मेरी कढ़ी फट जाएगी, तो आप इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहिएगा, तो फटेगी ही नहीं। जितना हमने घोल बनाया था उतना ही करके हम लोग थोड़ा थोड़ा, मैंने एक कटोरे में जो घोल बनाया था उतना मैं 2 बार 3 बार करके थोड़ा थोड़ा उतना पानी ऐड कर दूंगी। तो ये 4 जनों के लिए रेडी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। कढ़ी यहाँ पर साइड में रख के हम लोग यहाँ पे पकौड़ी बना लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई रख दी है जो गर्म हो चुकी है। देखिए यहाँ बना लेते हैं।
इसको हम लोग उलट पलट के पका लेंगे। सोडा डालने की वजह से अच्छी तरह से फूल गया है, देख सकते हैं आप लोग। सारे पकौड़ी बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी कढ़ी बहुत अच्छे से हो गई है। देखिए इसमें बिल्कुल भी फटा नहीं है। मैंने आपको बोला था कि आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल भी कढ़ी आपकी फटेगी नहीं। और इसमें हम लोग अब हरी मिर्च, थोड़ी मैंने लाल मिर्च ले ली क्योंकि हरी मिर्च कम है, तो ये धनिया डाल देते हैं इसमें। इसको भी हम लोग मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने सारी पकौड़ियाँ बना ली थी तो इसको इसमें ऐड कर देते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो इसको हम देखिए मेरी कढ़ी बन के अब 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। बस इसमें एक उबाल आ जाए तब ये बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितनी गाढ़ी सी अच्छी सी हुई है ये देखिए। यहाँ हमने चावल ले लिया है और एक कढ़ी रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं। देखिए कढ़ी चावल बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने पापड़ भी ले लिया है, आप देख सकते हैं बहुत जल्दी बनने वाला ये कढ़ी चावल रेडी हो चुका है। आप ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और आप नए हैं मेरे वीडियो पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा आपको कढ़ी चावल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर भी करिएगा पसंद आए तो। ओके बाय गाइस।